हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? ये स्पेशल वीडियो, दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर 9th क्लास। इस वीडियो में हम 9th क्लास का पहले चैप्टर संख्या पद्धति एंड नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसकी अलग अलग वीडियो में अलग अलग एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो जो पहला चैप्टर आपके संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9th का है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 9th क्लास वाले बच्चे पढ़ सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, नंबर सिस्टम, यानी कि इस चैप्टर में हम नंबरों के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर किस तरह के होते हैं और वो नंबर कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे संख्याएं होती हैं, संख्याएं, तो संख्याएं हमारी नंबर एक पे आते हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो नहीं होता, केवल वो एक से लेकर 9 तक पढ़ी जाती हैं। तो ये हमारी संख्या हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। दूसरी हमारी आती हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ये इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या में बस होता क्या है, जैसी हमारी प्राकृतिक संख्या होती है इसमें जीरो ऐड हो जाती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो दोनों में केवल डिफरेंस कितना है कि प्राकृतिक संख्या में हमारी जीरो नहीं होती और पूर्ण संख्या हमारी जीरो आ जाती है। इसके बाद हमारा आता है प्राकृतिक संख्या के बाद हमारा आता है प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, इसके बाद हमारा आता है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ चलो यहाँ पर इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक हमारे यही, यानी कि जो जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वो सब हमारे पूर्णांक होते हैं, बस वो बटे में या परिमेय संख्या ना हो। 1, 2, 0 में हमारा पूर्णांक होता है, 3, डैश 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 डैश, आगे तक जितनी भी हमारी संख्याएं आएंगी सब हमारे क्या आएंगे, ये पूर्णांक आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फोर्थ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, मतलब कोई भी संख्या जो हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, यानी पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, वो हमारे सारे क्या होंगे, वो सारे हमारे रेशनल नंबर, जैसे 1/2, 3/4, 7/5, यानी जितने भी हमारे अपॉन के नंबर्स होंगे वो सारे हमारे परिमेय संख्या कहलाए जाएंगे। ठीक है, और अब आगे देखते हैं हमारी एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज में हमारा एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यदि हाँ तो इसे p अपॉन q के रूप में देख लेते हैं, क्या है p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p फॉर q एक पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। देखो कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य
जो जीरो, जीरो इज अ रेशनल नंबर, यदि हाँ तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यदि है तो, और जहाँ पी और क्यू क्या हमारे एक इंटीजर्स हैं, और क्यू वहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यस, यानी कि हाँ शून्य है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। वो संख्या क्यों है, क्यों, क्योंकि आप जीरो के नीचे कुछ भी लिख लीजिए, जीरो अपॉन में 4, जीरो अपॉन में 2, या जीरो अपॉन में 1, जीरो अपॉन में 7, सभी का जो सॉल्यूशन करके आंसर क्या आएगा, जीरो। और जीरो क्या है, हमारा एक पूर्णांक है, यानी कि होल नंबर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। देखो बीच की परिमेय संख्या निकालने के आपके पास दो मेथड है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। हो सकता है पहला वाला मेथड आप यूज करो तो उसमें आपका आंसर ना आए, तो आप दूसरा वाला मेथड यूज कर सकते हो, शायद दूसरा आंसर मैच कर जाए। दोनों ही मेथड आसान है, लेकिन सेकंड वाला मेथड ज्यादा इजी है, तो मैं सेकंड वाला मेथड का यूज करूंगा यहाँ पर, तो सभी ध्यान से देखेंगे। तो मेथड क्या कहता है, इसमें हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आपको बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से क्या करना है, हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 6 + 1 इजिकल टू क्या आ गया, 7 आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, 3 और 4 में ऊपर और नीचे दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 3 जहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर हमारा 1 होता है, अपॉन में 1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, कॉमा 4 अपॉन में 1 × 7 कर देंगे ऊपर नीचे, तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। फिर देखो इनका जो बेस है, यानी कि जो नीचे का है हमारा डिनोमिनेटर, यानी कि हर इंग्लिश में बोलते हैं अंशवाट हर होता है, हर नीचे वाला, ये 7 7 इक्वल हो गया, यानी कि नीचे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 28, हमें इसके बीच की परिमेय संख्या लिखेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से 21 से 28 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं हम सब लिखेंगे, यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। हमें कितनी 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, हमारे देखो 3 और 3 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही सिंपल, तो इसे सभी बच्चे सीख लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, थर्ड सवाल देखते हैं। थर्ड सवाल हमारे पास है कि 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या करनी है, कितनी, 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में 1 प्लस कर देंगे 6 हो जाएगा, यानी 5 + 1, सॉल्यूशन देखेंगे इसका, सॉल्यूशन देखते हैं, 5 + 1 इजिकल टू कितना हो गया, 6, यानी 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए 6 से नीचे, तो 3 अपॉन में 5 × 6 ऊपर 6 नीचे, और 4 × 6 ऊपर और 6 नीचे, तो 6 3 जा हो जाएगा 18, 5 6 जा 30, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो देखो इनका नीचे का जो आधार है, यानी कि सॉरी आधार क्या हर है वो एक सा हो गया, अंश बटे हर होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है, तो ये 30, ये 30 हो गया, नीचे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 18 और 24 के बीच में जितनी संख्या आती है सब लिख दीजिए। तो 18 के बाद आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। फिर देखो 3 और 2 5, ये 5 हमारी परिमेय संख्या होगी, ये हमारा आंसर हो गया।
तो बहुत आसान तरीका है परिमेय संख्या निकालने का। यदि कोई कट रहा है तो आप काट सकते हो, जैसे यहाँ देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर दो से दो एकम दो, दो एकम दो, दो एकम दो, दो पंजे दस, तो हमारा आंसर फाइनली ये भी हो सकता है। आप वहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3, 21/30, और 11/15, और 23/30, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, वहाँ भी आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके तीन राइट रॉन्ग हैं इसके अंदर, जो कि बहुत आसान है, जो मैंने आपको शुरुआत में लिखाया कि पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या, ये सब क्या होता है, उसी से रिलेटेड हमारे पास तीन राइट रॉन्ग है। तो तीनों राइट रॉन्ग्स को लिख लेते हैं। तो पहला राइट रॉन्ग कहता है प्रत्येक तो फोर्थ क्वेश्चन है, पहला कह रहा है इसमें हमें राइट या रॉन्ग लगाना है। तो ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमें बताना है कि सही है गलत। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नंबर तीन, ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, हमें बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तीनों का देख लेते हैं कैसे कैसे करना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, एक से लेकर के नौ तक की होती है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिन्हें इनका पूरा पूरा माना है, यानी कि पहला वाला जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक देखो दो तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। फिर जो माइनस के पूर्णांक होते हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि माइनस की वैल्यू हम अपने आप से मान सकते हैं, कभी नहीं होती। ठीक है, तो ये वाला दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि पूर्णांक दो तरह के होते हैं हमारे, पूर्णांक पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं, यानी कि चार पाँच छः, ये हमारे प्लस हो गए, माइनस का चार, माइनस का पाँच, माइनस का छः, ये हमारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो हमारे जो माइनस वाले होते हैं वो पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या में नहीं गिने जाते, प्लस वाले पूर्ण संख्या में गिने जाते हैं। लेकिन ये कह रहा प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक तो नहीं हो सकता ना, माइनस वाला आ गया तो माइनस वाला आंसर तो नहीं हो सकता, तो इसलिए रॉन्ग आ जाएगा हमारा दूसरा वाला। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों? मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4/2, तो भाई 2 × 2 = 4, तो ये 2 आंसर आ गया, ये तो है। लेकिन गलती से हम लिख दें भाई 1/2, तो ये तो नहीं आने का, क्योंकि पॉइंटों में 0.5 आंसर आ जाएगा, पर पॉइंटों में जो संख्या होती है पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या जो होती है हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 9th क्लास का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1 थी। इसमें 4 सवाल थे, वेरी सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल थे। तो आगे के एक्सरसाइज देखने के लिए आप बने रहिए चैनल पर, और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए, और जो वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे सपोर्ट कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।